फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए बी सी डी हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, देन हमें बताया गया है कि पी क्यू आर एस ये है मिड पॉइंट, रिस्पेक्टिवली साइड क्या है ए बी बी सी सी डी और डी ए से, देन बताया गया है कि ए सी एक डायगनल है और हमें प्रूफ करना है एस आर को पैरेलल टू ए सी और बताना है एस आर जो है हाफ है ए सी के। फिगर में देखो एस आर साइड कौन सी है, ये वाली साइड, इसको हमें पैरेलल दिखाना है किससे, ए सी से, इससे पैरेलल दिखाना है और बताना है एस आर जो है हाफ होती है ए सी के, ठीक है। जिस तरफ एस आर लाइन है उस वाले ट्राइंगल में हम काम करें, इस ट्राइंगल का नाम क्या है ए डी सी, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे एन ट्राइंगल ए डी सी। देखो हमें ये पता है ये जो एस है ये मिड पॉइंट है कौन सी साइड का, डी ए साइड का, एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी ए। देन हमें ये पता है जो ये आर है ये मिड पॉइंट है कौन सी साइड का, सी डी साइड का, आर इज अ मिड पॉइंट ऑफ सी डी। अगर एक ट्राइंगल की साइड के मिड पॉइंट को लाइक एस को दूसरी साइड के मिड पॉइंट लाइक आर से अगर जॉइंट किया जाता है, ये लाइन जो जॉइंट की जाती है लाइक एस आर यहाँ पे जॉइंट की गई, ये लाइन क्या होती है पैरेलल होती है ट्राइंगल की थर्ड साइड से, ट्राइंगल की थर्ड साइड क्या है यहाँ पे ए सी, और ये लाइन जो है हाफ होती है ट्राइंगल की थर्ड साइड से, ये हमारी कहलाती है मिड पॉइंट थ्योरम। मैंने आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए ही मिड पॉइंट थ्योरम को बता दिया है। देयरफॉर वी कैन से दैट एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। फर्स्ट पार्ट में हमें इतना ही प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया है। इस इक्वेशन का नाम हम इक्वेशन वन रख लेते हैं, आने वाले दोनों ही पार्ट में इसका यूज़ होगा। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ये जो पी क्यू लाइन है ये इक्वल है एस आर से। अभी हम क्या करेंगे, पी क्यू लाइन को इक्वल दिखाएंगे हाफ ऑफ ए सी से, देन हमारा काम हो जाएगा। जो काम हमने ए पार्ट में किया था वही हम एज इट इज़ करेंगे। इस बार हम काम करेंगे ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी सबसे पहले हम यूज़ करेंगे पी मिड पॉइंट है कौन सी साइड पे, ए बी साइड पे, यहाँ पे हम लिखेंगे पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अभी हम Q मिड पॉइंट यूज़ करेंगे कौन सी साइड पे है, बी सी साइड पे, यहाँ लिखेंगे Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को जॉइंट किया जाए तो वो थर्ड वाली साइड से पैरेलल होता है और थर्ड वाली साइड का हाफ होता है, ये होती है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू हाफ टू ए सी, और इस इक्वेशन का नाम हम रख देते हैं इक्वेशन टू। यहाँ हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू इक्वल है एस आर से। एस आर हम क्या प्रूफ कर चुके, एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, ये है इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन। अभी हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, वन और टू से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि हाफ ऑफ ए सी यहाँ किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू यहाँ हाफ ऑफ ए सी किसके इक्वल है, एस आर। और हमें प्रूफ करना था कि पी क्यू इक्वल है एस आर के।
आप चाहें तो ये हाफ ऑफ ए सी इरेज कर सकते हो, ओके, और लिखा रहने दोगे तो भी गलत नहीं होता। सेकेंड पार्ट में जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया, हैंड्स प्रूव्ड। अभी हम अपने क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। अभी हम थर्ड पार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या प्रूफ कर चुके हैं कि एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर हाफ टू ए सी, ये हमने इक्वेशन वन से लिया। यहाँ पे डाल देते हैं इक्वेशन वन, ठीक है। और इक्वेशन टू में हम क्या प्रूफ कर चुके हैं, पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू हाफ टू ए सी, ये हमने डाला था इक्वेशन टू। इन दोनों का ही हम यूज़ करेंगे। अभी हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू कि एस आर पैरेलल है ए सी के, और इक्वेशन टू में आप क्या देख रहे हो कि ए सी किसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल टू पी क्यू, एंड हाफ ऑफ ए सी किसके इक्वल है, इक्वेशन वन में हाफ ऑफ ए सी इक्वल है एस आर के, इक्वल्स टू एस आर। और इक्वेशन टू में हाफ ऑफ ए सी किसके इक्वल है, पी क्यू के, यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल्स टू पी क्यू। हमें पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम दिखाना, तो इसी की साइडों को पैरेलल और इक्वल लेके आएंगे। हम यहाँ लिखेंगे एस आर पैरेलल टू पी क्यू एंड एस आर इक्वल्स टू पी क्यू। यहाँ पे हमने ए सी और हाफ ऑफ ए सी को छोड़ दिया है, ऐसा हम कर सकते हैं। फिगर में देखो, फिगर में मैंने ये वाली साइड एस आर को इक्वल दिखा दिया है पी क्यू से और एस आर को पैरेलल दिखा दिया है पी क्यू से। एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड है ना, अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है, उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर वी कैन से दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, हैंस प्रूव्ड।